मैं उस भारत की वासी हूँ जहाँ एक युवा सिविल सर्विस की नौकरी त्याग भारत के लिए त्यागी बन जाता है, जो न सिर्फ देश में रहकर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की जंग लड़ाता है। हाँ, वही हम सबका गर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाता है। आज मैं देश प्रेम की जीती जागती प्रतिमा और भारत माँ के निडर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेताजी जो ये जानते थे कि आजादी किसी से भीख में नहीं बल्कि अपने हक से पाई जाती है, जो ये मानते थे कि निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री करते वक्त जब उन्होंने अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर पहली बार अपनी आवाज उठाई, तब वे वो दौर था जिसने बंगाल में क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जो ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत में आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दिखाई। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे, मगर उन दिनों किसी भी भारतीय का सिविल सर्विस में आना आसान नहीं था। तभी उनके पिता ने उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेजा। नेताजी देश से दूर जरूर गए, मगर देशभक्ति नेताजी से दूर ना जा सकी। लिहाजा 1921 में वे अपनी सिविल सर्विस की नौकरी त्याग भारत लौट आए और लौटते ही खुद को स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन किया। शुरुआत में वह बंगाल के स्वयंसेवकों में युवा शिक्षक और कमांडेंट भी बन गए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस के अंदर एक जुट के रूप में उभरा। नेताजी अपनी वामपंथी विचारों के लिए विश्वविख्यात है। 1939 में जब विश्व युद्ध चल रहा था तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वे विश्व भर से अपनी मदद मांगना चाहते थे, जिसका उन्हें काफी अच्छा असर भी देखने को मिला। वहीं 1941 में जब अंग्रेजों द्वारा नेताजी को कलकत्ता में नजर बंद कर रख दिया गया, तब भी नेताजी के दिलो दिमाग में आजादी पाने का ऐसा जुनून था कि कोई भी बेड़िया उन्हें बांध कर ना रख सकी। लिहाजा 1941 18 अप्रैल को वे वहां से भाग निकले और आखिरकार जर्मनी जा पहुंचे। नेताजी की बुद्धिमानता का प्रमाण हमें हर एक स्तर में देखने को मिला। वे जानते थे कि उन दिनों जर्मनी इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस लिहाज से उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की समझदारी दिखाई। इसके बाद आजाद हिंद फौज द्वारा अंग्रेज जिस सेना के दम पर राज करती थी, नेताजी ने उसी सेना को अंग्रेज के खिलाफ खड़ा कर दिया और साम्राज्यवाद की जड़ों पर कठोराघात कर दिया। नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने एक सपना देखा था कि वह इस पराधीन भारत को स्वाधीन बनाना चाहते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। तो क्या आज की युवा होने के नाते आप और हम इस डेवलपिंग इंडिया को डेवलप्ड इंडिया बनाने का सपना नहीं देख सकते? मेरा विश्वास है कि नेताजी के आदर्शों पर चलने से हम अपने इस सपने को जरूर कायम कर पाएंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी रस्ते में जरूर, मगर हम अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी भारत की जड़ों को ना तो कोई भूतकाल में हिला पाया था और ना ही कोई भविष्य काल में छू पाएगा। हम सबका गर्व हमारा देश भारत ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद।